राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां कमर कस चुकी है। यहां 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 3 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। नमस्कार, द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। पिछली कड़ी में हमने बात की थी कोटा उत्तर विधानसभा सीट की, आज बात करेंगे खाजूवाला विधानसभा सीट के बारे में। खाजूवाला विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर से गोविंद राम मेघवाल को मौका दिया है, तो वही बीजेपी ने फिर से डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल पर अपना दाव खेला है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर लगभग 2,35,998 मतदाता है, जो अपने मत का प्रयोग करेंगे। खाजूवाला विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है, लेकिन इसके अलावा यहां मेघवाल वोटर्स की भी अच्छी खासी संख्या है। आंकड़ों के अनुसार यहां मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 50,000, मेघवाल वोटर्स की संख्या करीब 35,000, जाट करीब 20,000, विश्नोई करीब 18,000, राजपूत करीब 15,000 है, जो इस सीट पर महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो आपको बता दें, इस सीट पर कुल 2,08,228 मतदाता थे, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गोविंद राम मेघवाल को 82,994 वोट देकर विधायक बना दिया था। तो वही भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर विश्वनाथ के खाते में 51,905 वोट आए थे और उन्हें 31,079 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। वही अगर बात करें कांग्रेस के प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल के बारे में, तो आपको बता दें वो पहली बार 2003 में नोखा विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट लड़कर विधायक बने थे। उसके बाद उन्होंने 2009 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। 2018 में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता और इस दौरान उन्हें आपदा राहत मंत्री भी बनाया गया। अब बात करते हैं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल की, तो आपको बता दें मेघवाल वसुंधरा राजे सरकार में संसदीय सचिव थे और 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। बीकानेर जिले में पार्टी के प्रमुख दलित चेहरों में इन्हें गिना जाता है, लेकिन खाजूवाला विधानसभा के परिणाम इस बार किस पार्टी के पक्ष में होंगे, ये तो जनता ही तय करेगी। द नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसभा क्षेत्र की। तब तक के लिए नमस्कार।